शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना, क्या हाल है यूपी पूछती। दी लल्लन टॉप की टीम अब पहुंचने वाली है बनारस। शुक्रवार यानी 24 दिसंबर को दी लल्लन टॉप अड्डा जमेगा बनारस में। पता है गुरुधाम पार्क भेलूपुर, समय होगा दोपहर के 2 बजे। मौके पर पहुंचिए और अगर ना पहुंच सके तो मेहमानों और हमारे सरपंच सौरभ द्विवेदी से अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। सवाल पूछने के लिए पहुंचिए कूपर दी लल्लन टॉप हैंडल एट दी लल्लन टॉप पर। सोशल मीडिया पर एक हिंदू परिवार के 5 सदस्यों द्वारा इस्लाम धर्म अपनाने का दावा वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन की घटना राजस्थान की है। वायरल दावे के साथ परिवार के 5 सदस्यों की तस्वीर शेयर की जा रही है। दावे के कैप्शन में लिखा है, राजस्थान में आज एक ही परिवार के 5 हिंदू लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया। अल्लाह इनके परिवार में बरकत अता फरमा। हैशटैग वी लव मोहम्मद चैलेंज। कई और सोशल मीडिया यूजर्स ने भी ऐसे ही दावे शेयर किए हैं। दी लल्लन टॉप ने इस वायरल दावे की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में वायरल तस्वीर के साथ किया जा रहा दावा भ्रामक निकला। असल में ये तस्वीर नरसिंगडी बांग्लादेश के माधबड़ी इलाके की है, जहां एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म अपना लिया है। वायरल दावे की पड़ताल के लिए हमने तस्वीर पर नीचे बाईं ओर बने वाटरमार्क पर ध्यान दिया। उस वाटरमार्क पर लिखा है हसन आयोग। सर्च करने पर हमें फेसबुक पर हसन आयोब नामक अकाउंट मिला, जिस पर 8 दिसंबर 2021 को वायरल तस्वीर शेयर की गई थी। पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया है, नरसिंगटी के माधवबाड़ी में एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया। साथ ही कैप्शन में एक YouTube वीडियो का लिंक भी मौजूद है। ये वीडियो वायरल तस्वीर में दिख रहे परिवार के साथ किए गए इंटरव्यू का है। वीडियो के कैप्शन में लिखा हुआ है, मिजानुर रहमान अजहरी की बात सुनने के बाद 5 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। मिजानुर रहमान अजहरी नरसिंगडी। वीडियो में दिख रहे शख्स की उम्र 42 वर्ष है, जबकि उनकी पत्नी 41 वर्ष की हैं। दोनों बांग्लादेश के कोमिला इलाके के रहने वाले हैं, लेकिन अब नरसिंगडी में रह रहे हैं। इस्लाम कबूल करने वालों में दंपत्ति, उनके 2 बच्चे और छोटे भाई की बेटी भी शामिल है। परिवार का कहना है कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म को कबूल किया है, साथ ही ऐसा करने के लिए उनको किसी भी तरह से परेशान नहीं किया गया। तो फाइनल नतीजा ये कि दी लल्लन टॉप की पड़ताल में वायरल तस्वीर के साथ किया जा रहा दावा भ्रामक निकला है। इस तस्वीर में दिख रहे लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ इस्लाम कबूल तो किया है, लेकिन ये लोग राजस्थान के नहीं बल्कि बांग्लादेश के नरसिंगडी के रहने वाले हैं। आपके लिए ये पड़ताल की है हमारी साथी अनुष्का ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। जानने को यूपी का हाल, बनारस आ रहा है लल्लन टॉप। 24 दिसंबर को बनारस में जमेगा लल्लन टॉप अड्डा और लोकल टैलेंट को भी मिलेगा इसमें अपना हुनर दिखाने का भरपूर मौका। तो अगर आप में है कोई बात तो आइए दी लल्लन टॉप के साथ भेजिए अपनी कलाकारी के 2 सैंपल adda.lallantop@gmail.com पर। अगर हमें आपका काम जमा तो मिलेगा आपकी प्रतिभा को मंच। दिन शुक्रवार, तारीख 24 दिसंबर, वक्त दोपहर के 2 बजे और जगह गुरुधाम पार्क भेलूपुर बनारस।